नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह गया पहुंचे और उसके बाद पूर्णिया जाएंगे। बता दें, गया में कार्यक्रम स्थल पर उनके पहुंचने के पहले ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की नारेबाजी शुरू हो गई। पीएम पहुंचे तो वह विशेष रूप से अश्विनी चौबे और पशुपति पारस से मिले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा में अपनी बातों की शुरुआत रामनवमी, राम मंदिर और नवरात्र से की। उन्होंने कहा कि सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। घमंडिया गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है, जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे वह आज अजीब बातें कर रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टिकरण के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया गया और यह हमारे देश का संस्कार नहीं है, यह हमारे देश की परंपरा नहीं है। और इस घमंडिया के एक नेता तो खुलेआम कहते हैं कि वह हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। आज नवरात्र का पावन पर्व है और इस शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? इस शक्ति का विनाश सोचने वालों का क्या होगा? सनातन को डेंगू मलेरिया कहना सनातन धर्म का अपमान है या फिर नहीं? राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और गया से एनडीए के प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अंततः सलिला फल्गु नदी में सोन नदी से पानी लाकर सतत सलिला बना दिया जाए और भगवान बुद्ध व भगवान विष्णु की धरती पर विष्णु कॉरिडोर का निर्माण कराया जाए। इससे क्षेत्र का समेकित विकास होगा और गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से यहाँ पर कार्गो सेवा शुरू की जाए। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया पहुंच गए हैं और गया के गांधी मैदान में उनकी सभा शुरू होने वाली है। सभा स्थल पर उनके पहुंचने से पहले ही सभा में पहुंचने वाले हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा को और पूरे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। भाजपा कार्यकर्ता ने ये कहा है कि पीएम ने धारा 370 हटाने सहित कई ऐसे कार्य किए हैं, इसीलिए वह ये कर सकते हैं। देश में हिंदू की संख्या बहुसंख्यक है, ऐसे में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भाजपा कार्यकर्ताओं ने की है। प्रधानमंत्री गया एयरपोर्ट उतरने के बाद सड़क मार्ग से गांधी मैदान के लिए निकले थे।